मैं कामना और आप सभी का मेरे शो दुनिया एक रहस्य में स्वागत है। दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। अगर हम प्राचीन दुनिया के उन 7 अजूबों के बारे में बात करें जिनमें द गिजा अपग्रेड पिरामिड, मेबिलोन का झूलो बाग, ओलंपिया में जीसस की मूर्ति, रोडिस की विशाल मूर्ति, मौसेस का मकबरा, इलेक्जेंड्रिस का रोशनी घर और अमेट्रिस का मंदिर, ये वो दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं का संकलन है जो मनुष्यों को आश्चर्यचकित करता है कि जब आज की तरह उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, फिर इस तरह के विशाल काय संरचनाओं का निर्माण कैसे किया गया होगा। द गीजा आप ग्रेट पिरामिड, मेबिलोन का झूलो बाग, ओलंपिया में जीसस की मूर्ति, रोडेस की विशाल मूर्ति, मौसेस का मकबरा, इलेक्जेंड्रिस का रोशनी और अमेट्रिस का मंदिर, चीन इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका तोड़ साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाए। शोधकर्ताओं द्वारा अभी भी रिसर्च जारी है। इन 7 अजूबों में अगर आप बात करें तो वर्तमान में अभी सिर्फ द गीजा ग्रेट पिरामिड ही बचा हुआ है, बाकी के लगभग नष्ट हो चुके हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है सोचने में। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। बाकी के वो 7-6 अजूबे जो कि अभी नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ये 7वां अजूबा है जो सबसे पहले लिस्ट में था, ये आज भी सही सलामत मौजूद है। ये पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था। ये 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 146 मीटर है। गीजा पिरामिड का इसका बेस आधार 55,000 m2, 592,000 स्क्वायर फुट है। इसका एक एक कोना 20,000 m2, 218,000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में बना है। महान पिरामिड में लगभग 23,00,000 पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था जिनका वजन करीब 50 टन है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बनाए गए थे बने हैं जिन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी देखे जाते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइम स्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था जिसका वजन 25 से 80 टन है। ये पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुए थे। लगभग 4500 सालों के इतिहास में मिस्र में गीजा के पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करने के लिए दुनिया भर के देशों ने कई अभियान चलाए। ऐसा माना जाता है कि इन पिरामिडों का निर्माण पत्थरों के द्वारा मिस्र के प्राचीन सम्राट कुफू ने करवाया था। कुछ समय पहले ही नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार शोधकर्ताओं ने इस पिरामिड के
रहस्यों से पर्दा उठाने का दावा किया। उनके अनुसार उन्होंने मिस्र के पिरामिड के एक खुफिया कक्ष को खोज निकाला। इस खुफिया कक्ष को शोधकर्ताओं ने विशाल स्थानीय स्कैन पिरामिड बिग वाई का नाम दिया। मिस्र के मिस्ट्री ऑफ एंटीविटीज के साथ कई संगठनों ने मिलकर के मिस्र के पिरामिड के इस खुफिया कक्ष को खोजने के लिए एक अभियान चलाया, जिसे मिशन स्कैन पिरामिड का नाम दिया गया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार मिस्र के गीजा के पिरामिडों को बनाने के लिए गीजा से लगभग 804 किलोमीटर दूरी इस मिस्र के प्राचीन क्षेत्र टोरस से चूना पत्थर लाए गए थे। लगभग 857 किलोमीटर दूर आसवान शहर के ग्रेनाइट पत्थरों के टुकड़े लाए गए थे। इस समय शोधकर्ताओं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध कर रहे हैं कि आखिर इतनी अधिक दूरी से प्राचीन समय में 2.5 वजनी पत्थरों को आखिर लाया कैसे गया होगा। लगभग 4500 साल पहले बनी गीजा के पिरामिड अगले लगभग 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित आकृति के रूप में जाना गया। 21वीं सदी शुरू होने से पहले 1999 में 7 अजूबों को नए तरीके से सामने लाया गया, जिसमें भारत भी शामिल है।